महाकाल की नगर में हुआ महापाप। 12 साल की बच्ची को दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाले उज्जैन रेप केस में पुलिस ने आज सुबह ऑटो रिक्शा ड्राइवर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि पुलिस को आरोपी के ऑटो में खून के निशान मिले। ऑटो की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 38 साल का ऑटो ड्राइवर शामिल है। बता दें कि उज्जैन में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उज्जैन के SP सचिन शर्मा ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित की है। ज्ञात रहे कि उज्जैन में महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे। बच्ची अर्धनग्न अवस्था बड़नगर मार्ग पर सोमवार को मिली है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें हैं। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि बच्ची संभवतः प्रयागराज के आसपास की रहने वाली है। जांच के लिए SIT गठित की गई है। बच्ची ठीक से ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है कि घटना कहां हुई। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि शायद उज्जैन बाईपास क्षेत्र में बच्ची दुष्कर्म की शिकार हुई है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मंगलवार रात को ऑटो वाले को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। उज्जैन पुलिस की विज्ञप्ति में बताया गया है कि कपिल बैरागी द्वारा दी सूचना के आधार पर महाकाल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बालिका को अपने संरक्षण में लेकर उससे घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर तत्काल उसका उपचार कराया गया एवं उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। बालिका द्वारा अपने माता के संबंध में कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। तकनीकी साक्ष्य एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, VD शर्मा, कमलनाथ और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यजनक बताया। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। घायल बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता का इंदौर में इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर पुलिस जांच कर रही है। 8 किलोमीटर के रास्ते के CCTV को खंगाला जा रहा है। पुलिस इन रास्तों के लोगों से बात कर जानकारी हासिल भी कर रही है। उज्जैन जिले के एक मिनट से बंद कर सर, क्या कुछ अब तक अपडेट होगा? उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम में प्रमुख तौर पे जब FRB को सूचना प्राप्त हुई तुरंत घटनास्थल पहुंचे थे और घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। FSL और जितनी भी टीम्स है वहाँ पर पहुँची थी। एक बार बच्ची का जब मेडिकल कराया गया तो ये तथ्य सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी कि घटनास्थल कहाँ का है, वो खुद कहाँ की रहने वाली है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। इसके लिए एक अलग से काउंसलर हम लोगों ने किया जिसने काफ़ी सहज तरीके से बात करके काफ़ी चीज़ें निकाली। इसके बाद क्योंकि बच्ची के इन्फेक्शन्स वगैरह थे और कुछ चोटें वगैरह थी तो इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में स्पेशलाइज्ड जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी की, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो खासकर ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी वो वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने दिया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है प्राइमरीली यही है कि वो सतना में उसकी एक दिन पहले की गुमशुदगी थी, उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। पर हमने 100% इसमें रिलाई ना करते हुए बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने के बाद उज्जैन में जो रही वहाँ पर वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत थी, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। कितने लोगों को सर अभी राउंडअप किया? अभी 5 लोगों से पूछताछ जारी है और 5ों लोग कहीं ना कहीं जो घटना दिनांक, घटना स्थल, घटना समय रहा है उस बच्ची से बातचीत करते हुए या संपर्क में आते हुए दिखे। तो सर क्या ये गैंगरेप का मामला भी हो सकता है? नहीं, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। ये जो अलग अलग समय पे जब वो उज्जैन में पहुंची है
तो कुछ देर के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर मिली है, इसीलिए ये गैंगरेप का प्रकरण होना थोड़ा सा मुश्किल है। सर, जिस तरह से उसके जो जनांग हैं उसमें जो जिस तरह से चोट आई है, वो ब्लडिंग हो रही थी, आपको लग रहा है सर कि क्या इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब हरकत हुई है उसके साथ? ये मेडिकल जो ओपिनियन है उसमें सिर्फ इंजरीज की बात की गई है, उन्होंने किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है, और क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेशलाइज केयर चाहिए था इसीलिए इंदौर रेफर किया गया, पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही है, बच्ची बहुत ही स्टेबल है, हेल्दी है, रिकवर कर रही है, और लगातार जो बातचीत वगैरह है वहाँ का जो पैरामेडिक्स है, स्टाफ है, उससे वो कर रही है। उसके माता पिता को भी आ रहे हैं? जी, परिवार से संपर्क का समन्वय स्थापित किया गया है और जल्द ही उनकी बातचीत एक दूसरे से कराई जाएगी। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था, जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे 10 गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बन्नेगर क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लडिंग हो रहा था, मुँह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आँखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया, 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात उन्हें वापस पुनः महाकाल थाने में, जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ, उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाका यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। अच्छा, आपको कहीं लगा कि वो जो है लड़की जो है उसके साथ मारपीट भी हुई है? आपने बताया सूजन की है, आँखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसके शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और ना मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैंने उसे अपना वस्त्र ऊपरी वस्त्र दिया नीचे उड़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए, बाकी मैंने उसके शरीर पर किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं देखा। आपने जब उसको पहली बार देखा, क्या वो बेहोश हो चुकी थी या फिर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी, कहीं जाने के लिए बार बार किसी गाँव का नाम पूरी आया है उसे कुछ नाम बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा में कि वो किस क्षेत्र का नाम बता रही है। अच्छा, वो जब वो यहाँ सामने से आती हुई दिखी, आपको लगा कि वो मदद मांग रही है इसलिए आप आगे आए हैं, या फिर वो अर्धनग्न दिखी इसलिए आप उसको मतलब मदद की? इसीलिए मैं आगे आया, मदद मांग रही। हाँ, बाकी उसने मुझसे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे को मदद करिए। मैंने उसे कुछ पैसे, नकदी पैसे 150 रुपये भी दिए हाथ में, और फिर जो मुझे ऐसा लगा कि यह कहीं से है और भयभीत है, फिर मैंने प्रशासन से एक्सप्लेन जी। अच्छा, ये कितनी बजे की बात होगी आपके पास? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास की कहानी है, प्रातःकालीन परसों के दिन की। आपके फोन लगाने की कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पहुँची? 21 मिनट में। 21 मिनट उसके बाद वो सीधे उनको लेकर चले? सीधे उन्हें लेकर चले। उन्होंने मेरा आपका? मेरा नाम आचार्य राहुल शर्मा। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।